अभी 2 से 3 दिन पुरानी खबर होगी, सॉरी मैं लेट इस पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर इसका एक वो पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये मुझे एक दूसरे कश्मीर जैसा बनता दिखाई दे रहा है जो दिल्ली में वो घटना हुई। घटना ये थी कि कुछ लड़के, कुछ मुस्लिम लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। उसके फादर ने जब अपोज किया तो उन्होंने पहले तो मारा पीटा फादर को, जब लड़का बच्चा जब उनका भाई बीच में आया तो उसको भी मारा। फिर इतने में ही जो उनके घर की औरत, जो उन मुसलमान लड़कों की मदर या जो भी होंगी, उन्होंने चक्कू निकाल के दिया। उन्होंने उस चक्कू से फादर को, जो जिस लड़की को छेड़ रहे थे, हिंदू लड़की के फादर को इतना चक्कू से मारा है और पूरा इंश्योर किया है कि वो आदमी मर जाए। चक्कू अंदर डाल के एकदम पूरा रोल रोल करके घुमा के मारा है और बहुत सारे 25-30 मतलब स्टैब किए हैं। और जो लड़का, जो भाई बच्चा था, वो बहुत बड़ा नहीं था, वो बीच में आके बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी कई बार मतलब हमले करने की कोशिश की और कई चक्कू उसको भी लगे। शायद वो ज़िंदा है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, शायद वो ज़िंदा है, लेकिन उसके फादर जाते जाते हॉस्पिटलाइज होते होते वो मर गए। डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उन्होंने फिर किसी और हॉस्पिटल को रिकमेंड किया और दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते उनकी डेथ हो गई। तो ये कंडीशन दिल्ली की है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कश्मीर बनता जा रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में और कश्मीर की कंडीशन में एक चीज़ कॉमन है कि ये लोग भी एक 2-4 घर के डिफरेंस के आसपास सी पड़ोसी थे, कॉलोनी के ही लोग थे। कश्मीर में भी ये जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया तो वहाँ भी सब पड़ोसी ही थे। अचानक से उन्होंने मस्जिदों से अजान दी, पर्ची बटवाए कि इनके घर में इनको मारना है, ये लोग सुबह तक अपनी बहू बेटियों को छोड़ के निकल जाए नहीं तो मार दिए जाएंगे। तो वहाँ भी यही हुआ, वहाँ भी मुसलमानों ने ही हिंदुओं को मारा, यहाँ भी यही चीज़ हुई। वहाँ भी उनको उन्होंने पड़ोसियों को ही, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मारा, जो कल तक अपना खाना पीना शेयर करते थे और सब हंसी खुशी से रहते थे, अचानक से क्या हो गया कि उन्होंने इतनी मास स्केल पे मॉब लिंचिंग की। इससे भी बुरी हरकत तो कश्मीर में तब हुई जब एक बच्चे ने, जिसको उसकी टीचर ने, एक मुसलमान बच्चे को उसकी एक हिंदू टीचर ने बचपन से उसके 12th पास होने तक उसको पढ़ाया है, वो लड़का जब वो टाइम आता है तो वो लड़का अपनी उसी टीचर का रेप करके उसको मार डालता है। ये मानसिकता है उस हरकत की, वो हरकत करने वाले लोगों की। वही चीज़ वेस्ट बंगाल में हो रही है कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है मुस्लिमों के द्वारा, और ये होने दे रही है ममता बनर्जी। मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ, बंगाल जो जल रहा है, बंगाल जितनी बुरी हालत है, कुछ लोग कमेंट करने से डरते हैं और घबराते हैं, या फिर उनको उनकी हिपोक्रेसी सामने आती है कि जब क्योंकि अगर वो बोल देंगे ममता के अगेंस्ट कुछ लोग, तो उनको लगने लग जाएगा कि हमारे ऐसा बोल देने से हम कहीं मोदी के पक्ष में ना बोल दें, तो वो लोग कतराते हैं, वो लोग तर्क वितर्क देते हैं, फालतू से बहाने बनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए बंगाल देश से बाहर हो जाता है। होती है ये चीज़, हो रही है ये चीज़, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ मेजॉरिटी में जाते हैं, जब तक माइनॉरिटी में रहते हैं तब तक कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारा, जहाँ मेजॉरिटी में जाते हैं ये भाई अपने आप चारा में बदल जाता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये हमने कश्मीर में भी देखी, बंगाल में भी देख रहे हैं, आसाम में भी देख रहे हैं, यहाँ भी अब कोई दूरी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो दिल्ली तक पहुँच गया ना, तो दिल्ली के आगे भी आदमी बढ़ जाएगा, आपके घर में भी आ सकता है, ये चीज़ कभी भी हो सकती है। लेकिन आपको सेकुलरिज्म के पर्दे में रहना है, सेकुलरिज्म एक तरफ से नहीं चलता है। सेकुलरिज्म अगर दोनों तरफ से चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हिंदुओं ने ठेका ले रखा है सेकुलरिज्म का, मैं गुस्सा उन लोगों पे नहीं हो रहा हूँ जो कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं जो उनका एजेंडा है, लेकिन वो लोग जो ये नहीं होने देना चाहते, जो इनके साथ अगर ये होगा इंसिडेंट जो उस लड़की के फादर के साथ हुआ, मतलब अपनी बेटी को बचाना के इतना बड़ा गुनाह है कि उसको उनके घर की औरत चक्कू ला के देती है कि मार दो। मेरा मकसद किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने का नहीं है, लेकिन जब से मैं कुछ चीज़ों को जानने लगा हूँ, कुछ फैक्ट्स क्लियर होते रहे, और जब आप रिलेट करते हो कि चीज़ें हो तो रही हैं वैसे ही जैसा मैं सुन रहा हूँ, तो आप उस पर यकीन करने लग जाते हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में इतने सारे पाकिस्तान और कश्मीर बन रहे हैं छोटे छोटे, उसको बड़ा नहीं होने देना चाहिए।
अभी सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के बैठ गए आप लोग, तो कल को आप कहने के लिए भी वो सेकुलरिज्म वर्ड यूज करने लायक भी नहीं बचेंगे। आप किसको खुश करना चाहते हो भाई? अरविंद केजरीवाल जो कि वहाँ के सीएम है, करंट सीएम है, उन्होंने इस बात पे एक्शन ना लेके, पुलिस ने जो किया वो किया। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट और एक बयान तो आना था कि हरकत गलत है, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुसलमान इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको वोट बैंक बचाना है, वोट बैंक ममता बनर्जी को भी बचाना है, वोट बैंक केजरीवाल को भी और राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, मायावती को भी, इन सबको वोट बैंक की पॉलिटिक्स जब तक ये लोग करते रहेंगे तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। अब मोदी योगी हर स्टेट में नहीं हो सकते ना, और अगर आपको भी लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको सामने लाना पड़ेगा, मीडिया मजबूर हो जाए इतना सामने लाइए कि वो आपकी बात सुने और दुनिया को सुनाए, और इस चीज़ को बचाइए। आप ओवर सेकुलरिज्म के पर्दे के चक्कर में आप बेवकूफ़ मत बनिए, बेवकूफ़ बनना अलग होता है, सेकुलरिज्म हमारी मिट्टी में है। अभी मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि हमारे सेकुलरिज्म के चक्कर में हम लोगों ने क्या क्या खोया है और क्या क्या किया है, उससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, इसके बारे में कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।